ब्रह्मांड का अंत एक दिन होना ही है, लेकिन ये अंत कैसे और कब होगा? यही जानने के लिए तो मैं कॉस्मोलॉजिस्ट बना। मैं ये सबसे पहले जानना चाहता था कि ये ब्रह्मांड कैसे खत्म होगा। कॉस्मोस के दो शक्तिशाली योद्धा नियंत्रण पाने के लिए जूझ रहे हैं। इनका विजेता ही हमारा भाग्य तय करेगा। रस्साकशी जारी है कॉस्मोस को सिकोड़ने वाली ग्रेविटी और स्पेस और समय के विस्तार के बीच। तो क्या जीत ग्रेविटी की होगी? ब्रह्मांड पहले से और ज्यादा छोटा और ज्यादा गर्म होता जाएगा, या फिर फैलाव का पलड़ा भारी रहेगा, यहाँ तक कि एटम के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन भी उखड़ जाएंगे। अंत नजदीक है और ये आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इसी में है स्पेस, समय और मैटर। हमारी पृथ्वी इसकी तुलना में एक छोटा सा धब्बा है। ये चट्टान का घूमता हुआ एक कण भर है जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से एक के चक्कर काट रही है। इस विशाल संरचना को 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले गैलेक्सीज के एक सागर में सिर्फ एक बूंद कहा जा सकता है। और इन सभी को, चाहे वो सबसे बड़ी गैलेक्सी हो या सबसे छोटा एटम, एक दिन दम तोड़ना है। हमें हमेशा कायम रहने वाली किसी चीज का सबूत नजर नहीं आता। ऐसा कुछ है ही नहीं। एक दिन स्पेस और समय का भी अंत होगा। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे जलता रहा है, लेकिन जब ये ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? क्या ये भी खत्म हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने पर सितारे भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में बचता है एक खाली ठंडा बेजान ब्रह्मांड। तब बचते हैं सितारों के अवशेष, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, फिर वो भी खत्म हो जाते हैं और बचती है बहुत हल्की ऊर्जा वाली रोशनी की एक परत, बस यही। हम सोचा करते थे कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया है। ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो अपने अस्तित्व के लिए ही जूझ रहा है। यहाँ पृथ्वी पर बेशक हमें सब कुछ ठीक ठाक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारे ऊपर और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में एक युद्ध चल रहा है और ये समय की शुरुआत से ही जारी है। दो खतरनाक शक्तियां नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है फैलाव, जो गैलेक्सीज को दूर दूर खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर खत्म करने की कोशिश में है। दूसरी ताकत ग्रेविटी हर चीज को एक साथ लाकर कुचलने की कोशिश में है। वो ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदल खत्म करना चाहती है। जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या विस्तार की, या फिर यह मुकाबला बराबर पर रहेगा? इन दो महाशक्तियों के इस मुकाबले में तीन नतीजे निकल सकते हैं। पहला नतीजा है बिग फ्रीज, विस्तार की जीत होती है और ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाता है। दूसरी स्थिति में विस्तार और ग्रेविटी वाले आकर्षण की मात्रा में एक नाजुक संतुलन बन जाता है, ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाता है और उतना ही बना रहता है। तीसरे नतीजे में ग्रेविटेशन का आकर्षण जीतता है और विस्तार रुकने से ब्रह्मांड छोटा होने लगता है, और फिर वो स्थिति आती है जिसे कहते हैं बिग क्रंच। अभी तक तो ब्रह्मांड विस्तार और सिमटने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए लग रहा है, लेकिन क्या ये अपने संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या कोई चीज इस संतुलन को गड़बड़ा देगी? ये ब्रह्मांड किस तरफ जा रहा है, शायद इससे बड़ा और कोई सवाल हो ही नहीं सकता। भविष्य के बारे में कुछ बताने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट हमेशा अतीत पर नजर डालते रहे हैं। विस्तार की शुरुआत पर, ग्रेविटी की शुरुआत पर, हर चीज की शुरुआत पर। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बहुत ही सघन और गर्म धब्बे में विस्फोट हुआ और अचानक ये बाहर की तरफ फैलने लगा। ये था बिग बैंग। तमाम ऊर्जा, तमाम स्पेस और सारा मैटर, यानी हम जिस ब्रह्मांड को आज देखते हैं, उसे बनाने वाली सारी चीजें बनी और सक्रिय हो गई। जरा सोचिए, हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं वो आग के एक आदिम गोले में इकट्ठा हो गया, फिर वो फटा और उसके बाद सारी गैलेक्सीज गतिशील हो गई। बाहर की ओर फैलता ये धमाका, विस्तार की ये शुरुआत आज भी जारी है। उसके बिना ये ब्रह्मांड इतना बड़ा न बन पाता कि उसमें सितारे और गैलेक्सीज मौजूद रह पाती। फैलाव प्रकृति की एक हैरत अंगेज ताकत है। ये काम करती है स्पेस और समय के ताने बाने को फैलाकर। गैलेक्सीज के बीच स्पेस फैलता है और ये गैलेक्सीज को दूर दूर धकेल देता है। स्पेस के साथ
चीजें वैसे ही चलती हैं जैसे किसी लहर पर एक सर्फर। स्पेस के हर हिस्से में यही सब चल रहा है। इस वक्त आपके शरीर के अंदर भी स्पेस के फैलने के लिए एक दबाव मौजूद है। फैलाव ने एक ऐसा विशाल और चलता फिरता मंच बनाया जिस पर आज का ब्रह्मांड गतिमान है, लेकिन अगर ये नियंत्रित ना होता तो फिर इस ताकत से महाविनाश हो जाता। अगर ब्रह्मांड का विस्तार कहीं ज्यादा तेजी से होता तो ये इतनी तेजी से खाली होता कि गैलेक्सी, ग्रहों और लोगों के बनने के लिए समय ही ना बचता। हमारी मौजूदगी ये जताती है कि किसी चीज ने इसकी रफ्तार पर रोक लगाई होगी, और ये चीज थी हर कहीं मौजूद ग्रेविटी। ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ रहते हैं। कोई चीज जितनी बड़ी होगी ये अपने आसपास की चीजों पर उतना ही दबाव डालेगी। ये एटम को एटम, पार्टिकल को पार्टिकल के करीब लाती, ये बनाती है सितारे, नेबुली और गैलेक्सीज, यानी उस ब्रह्मांड को बनाने वाले तत्व जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन ग्रेविटी एक दोधारी तलवार होती है। ग्रेविटी ज्यादा होती तो शुरुआती ब्रह्मांड इस स्तर तक पहुंच ही ना पाता। अगर ये ज्यादा धीमे धीमे फैलता तो ये एक और अस्तित्व में ढलने लगता, और एक बार फिर इसके पास गैलेक्सी, ग्रह या लोगों को बनाने लायक समय न बचता। तो हम एक बहुत ही संतुलित ब्रह्मांड में रहते हैं। इस ब्रह्मांड की उम्र बहुत लंबी है, लेकिन ये इतने धीमे धीमे फैलता है कि हमें विकसित होने का समय मिलता है। ग्रेविटी और फैलाव की विरोधी शक्तियों की वजह से ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल तक कायम रहा है। लेकिन ये संतुलन आखिर कितना स्थिर है? क्या हमारे ब्रह्मांड में बेरोक टोक विस्तार या खुद को खुद ही तबाह होने से बचाने लायक संतुलित सामग्री मौजूद है? 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने जब गणना की तो नतीजों से कोई खास उम्मीद नहीं बंधी। मैटर जितना ज्यादा होगा ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपके पास काफी मैटर है और ब्रह्मांड भी बहुत सघन है तो शायद ब्रह्मांड फिर से ढहना शुरू हो जाएगा, या अगर आपके पास मैटर बहुत कम है तो ब्रह्मांड जमकर खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच एकदम सही डेंसिटी क्या है? तो वो सही डेंसिटी है प्रति घन मीटर में करीब 5 हाइड्रोजन एटम। तो आप 1 घन मीटर जगह में सिर्फ और सिर्फ 5 हाइड्रोजन एटम ही रख सकते हैं। यहीं पर संतुलन कायम रहता है। अगर आप 5 एटम ज्यादा रख देंगे तो ये ब्रह्मांड ढहने लगेगा, और अगर 5 से कम एटम होंगे तो ब्रह्मांड यूं ही जारी रहेगा। अगर हमें लगता था कि पहले ये ब्रह्मांड एक कसी हुई रस्सी पर संतुलित था, तो डेंसिटी वाले महत्वपूर्ण सवाल ने हमें दिखाया कि ये रस्सी चाकू की किसी धार जैसी थी। इसके बावजूद जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अतिरिक्त पैमाइश की तो उन्हें जो कुछ नजर आया वो अच्छा लगा। ब्रह्मांड में मैटर की मात्रा इतनी सही लग रही थी कि वो क्रिटिकल डेंसिटी पर टिका रह सकता था। अप्रत्यक्ष सबूत और थ्योरी पर आधारित चर्चाओं के जरिए लगातार ये पता चलता रहा है कि ब्रह्मांड एक ऐसी सीमा पर होना चाहिए कि ना तो वो अपने आप में ढह जाए और ना ही हमेशा उसका विस्तार होता रहे। यानी हम विस्तार के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। यानी ब्रह्मांड कसी हुई किसी रस्सी पर संतुलित है, और इस रस्सी के दोनों ही ओर अकाल मृत्यु मौजूद। स्पेस के लगातार फैलते रहने से बिग फ्रीज की अवस्था आ सकती है, और विस्तार पर ग्रेविटी का नियंत्रण होने से बिग क्रंच पैदा हो सकता है। 40 साल पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि हम अनंत काल तक इस संतुलित अवस्था में रह पाएंगे, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा खोज लिया जिसके बारे में हमें करीब 40 साल पहले पता नहीं था। 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। टेलीस्कोपों को नजर न आने वाला बहुत बड़े आकार का अज्ञात मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था, और इसका आकार अंश मात्र नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा था। हम सोचा करते थे कि ग्रेविटी नजर आने वाले सितारों से पैदा होती है, बात खत्म। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये तस्वीर सही नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये खोज की और उन्होंने हमारे ब्रह्मांड की सटीक फितरत का अध्ययन किया। सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी और बाकी तमाम ग्रहों को एक गोल घेरे में एक नाजुक नृत्य कराती रहती है। सूर्य का मास इन परिधियों की रफ्तार को नियंत्रित करता है। अगर सूर्य ज्यादा बड़ा होता तो ग्रहों की परिक्रमा की गति भी ज्यादा तेज होती। अगर सूर्य छोटा होता तो ग्रहों को इसकी परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगता। गैलेक्सीज भी बिल्कुल घड़ी की तरह चलती हैं। बीच वाला विशाल मास बाहरी सितारों को गोल ग्रह जैसे ऑर्बिट्स में खींचता है। 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी की इन कक्षाओं की सटीक पैमाइश की, और नतीजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
गैलेक्सीज बहुत तेजी से घूम रही थी, कुछ ज्यादा ही रफ्तार से। यहां तक कि उनके केंद्र में जो विशाल ब्लैक होल थे, उनके मास का 9/10 हिस्सा गायब था। गैलेक्सी को तो टूटकर बिखर जाना चाहिए था और पृथ्वी को अरबों साल पहले इंटरगैलेक्टिक स्पेस में पहुंच जाना चाहिए था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारा ब्रह्मांड गैलेक्सीज से भरा पड़ा है। ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत शायद गैलेक्सीज को एक साथ थामे हुए है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोपों का मुंह किधर भी कर दें, उन्हें कुछ नहीं दिखता, ना कोई चमक ना कोई छाया। ये नई चीज जो भी है, ना तो ये प्रकाश छोड़ती है, ना रिफ्लेक्ट करती है और ना उसे रोकती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डार्क मैटर। हमने ये सीखा है कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर मैटर कोई आम चीज नहीं है। ये एटम नहीं है, ये ऐसे पार्टिकल नहीं है जिन्हें हमने पृथ्वी पर प्रयोग करके हाल में ही ढूंढा है। ये नए किस्म के पार्टिकल हैं जिन्हें हम कहते हैं डार्क मैटर। ब्रह्मांड इस डार्क मैटर से भरा पड़ा है। सामान्य मैटर के मुकाबले इसकी मात्रा 5 गुनी है। पूरे कॉस्मोस में विशाल फिलामेंट फैले हुए हैं। चमकदार गैलेक्सीज वहां इकट्ठा होती हैं, जहां डार्क मैटर सबसे घना होता है। डार्क मैटर असल में इस चीज को तय करता है कि ब्रह्मांड में मैटर का जो रूप है वो क्या होना चाहिए, ये कहां जाता है, ये क्या करता है। यानी डार्क मैटर के जरिए ही तय हुआ कि ब्रह्मांड का विकास कैसे होगा। ऐसा लगता है कि बिग बैंग के बाद सबसे पहले डार्क मैटर कंडेंस हुआ एटम से पहले, और फिर डार्क मैटर के गुच्छे बनने लगे। इसके बाद इन गुच्छों की तरफ बाद में बनने वाले एटम आकर्षित हुए और इन्हीं से ही गैलेक्सीज बने। एक तरह से डार्क मैटर जैसे एक गर्भ है जिसमें से हमारी गैलेक्सी का जन्म होता है। डार्क मैटर इस ब्रह्मांड को एकजुट रखे हुए है, लेकिन इससे इसकी बर्बादी का डर भी है। पिछले कुछ एक दशकों की सबसे कमाल की खोजों में से एक है डार्क मैटर। हमें जितना पता था ब्रह्मांड में उससे कहीं ज्यादा मैटर मौजूद है, और इस सारे मैटर की काफी ग्रेविटी है। तो ये सारा नया मैटर, ये सारी नई ग्रेविटी ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार को धीमा कर रही होगी। डार्क मैटर तो कॉस्मोस की इस तराजू के पलड़े को ग्रेविटी के पक्ष में झुका भी सकता है। इससे फैलाव की हार होगी और आग लगने से पूरे ब्रह्मांड की मौत हो जाएगी। इसे कहते हैं बिग क्रंच, और ये कुछ इस तरह से होगा। 1 सेकंड के जरा से अंश के लिए ब्रह्मांड फैलाव और सिकुड़ाव के बीच थम जाएगा, और फिर ग्रेविटी एक उथल पुथल की शुरुआत करेगी। जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं वो आपसे परे जाने के बजाय आपकी तरफ आना शुरू कर रहे हो। लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हमें निगलने के लिए आ रहा। स्पेस के और सिकुड़ने से मैटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी और मजबूत होगी, और क्रंच की रफ्तार बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा। तब गैलेक्सीज आपस में टकराने लगेंगी, गैस के बादल आपस में टकराएंगे, ग्रह पृथ्वी से टकराएंगे। ब्लैक होल एक दूसरे के इर्द गिर्द एक विनाशकारी नृत्य करेंगे, तापमान भी लगातार तेजी से बढ़ते जाएंगे। मैटर, स्पेस और समय तब तक अंदर की तरफ फटेंगे जब तक ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज कंप्रेस होकर असीमित मास, हीट और प्रेशर का एक छोटा सा धब्बा नहीं बन जाएगी। बिग क्रंच के आखिरी चरणों में गैलेक्सीज आपस में टकरा कर एक आदिम एटम बन जाएंगे, और फिर जीवन कायम रहना असंभव हो जाएगा। यानी हम वहीं लौट जाएंगे जहां से शुरुआत हुई, बिग बैंग पर। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बिग क्रंच से एक नई शुरुआत हो सकती है। हमें नहीं मालूम कि बिग क्रंच के खात्मे के समय क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स के नियमों की सरहदें भी टूट सकती हैं। ये मुमकिन है, और फलसफाई स्तर पर यह कल्पना करना बहुत खुशगवार है कि बिग क्रंच से दोबारा एक विस्तार की शुरुआत हो सकती है और एक ऐसा साइक्लिक यूनिवर्स पनप सकता है जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। शायद उस वक्त फिर से पैदा होगा एक और बिग बैंग। ये सोचा जा सकता है कि जब क्रंच के दौरान सब चीजें एक साथ आएंगी तो इसे एक गर्म, सघन और समान अवस्था की तरफ धकेलें,
तो कोई चीज इसे आगे बढ़ते रहने से रोकेगी। ऐसे में दूसरी तरफ से ये किसी बिग बैंग जैसा लगेगा, जैसे किसी ब्रह्मांड की रचना हुई हो। हमारा बिग बैंग किसी और को बिग क्रंच लग सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिक डार्क मैटर के बिग क्रंच को समझने के करीब थे, तो ब्रह्मांड ने उनके सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी। कोई अनजान ताकत शायद हमें एक बिल्कुल ही अलग मौत की तरफ तेजी से धकेलती लग रही थी। मेरे पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर ने मुझे नतीजे दिखाए, मैं तो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। ग्रेविटी और एक्सपेंशन पिछले 14 अरब वर्षों से हमारे ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे। एक्सपेंशन यानी विस्तार इसे बाहर की तरफ धकेलता है, और ग्रेविटी यानी गुरुत्व अंदर की तरफ। ग्रेविटी के पास डार्क मैटर था तो लग रहा था कि जीत इसी की होगी। अतिरिक्त मास ब्रह्मांड को एक बिग क्रंच की तरफ खींच ले जाएगा। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। सन 1990 के आसपास शोधकर्ताओं की दो टीमों ने ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को नापने का फैसला किया, ताकि ये तय हो कि कहीं इसकी रफ्तार इतनी धीमी तो नहीं हो रही है कि एक दिन इसे एक बिग क्रंच का सामना करना पड़े, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा के लिए फैलता ही जाए। एस्ट्रोनॉमर एलेक्स फिलिपेंको एक टीम में थे और दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे सॉल परलमटर। हम समझ गए कि पहली बार ऐसा मुमकिन हो रहा है कि हम इस बात की सीधी पैमाइश कर सकते थे कि अतीत में ब्रह्मांड की रफ्तार कितनी धीमी हो रही थी। दोनों टीमें दूर दराज गैलेक्सीज की रफ्तार को नापना चाहती है, लेकिन क्योंकि ये गैलेक्सीज बेहद धूमिल और दूर दराज है, इसलिए ये थोड़ी चमकदार गैलेक्सीज ढूंढने लगी। पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे में विस्फोट हुआ। ये एक सुपरनोवा है। ये एक दम तोड़ते तारे की आखिरी सांसें हैं। ये सूर्य के मुकाबले 5 अरब गुना ज्यादा तेजी से चमकता है बेहद थोड़े समय के लिए। ऐसे में पर्ल मटर और फिलिपेंको के पास ये नापने के लिए 1 या 2 हफ्ते का समय ही था कि ये जिस गैलेक्सी में है, हमसे दूर होते हुए भी उसकी रफ्तार कितनी धीमी हो रही है। टीमें 8 साल तक सुपरनोवा को ढूंढती रही। उन्होंने 42 की पैमाइश की और नतीजे असंभव से लग रहे थे। हमने ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट किया, लेकिन कोई तुक नहीं बन रहा था। उनकी रफ्तार बिल्कुल नहीं घट रही थी, बल्कि ये तो बढ़ रही थी। इन दोनों ग्रुपों को जो मिला उससे दुनिया हैरान रह गई। पिछले 4 या 5 अरब साल के दौरान ये पता लगा है कि ब्रह्मांड के विस्तार में बहुत तेजी आती गई है, और तेज रफ्तार वाले इस ब्रह्मांड को धकेल रही है कोई रहस्यमय चीज। इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या खुद में ही ढह जाएगा, लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड की गति तेज हो रही होगी और इसकी रफ्तार बढ़ती ही चली गई है। इस बढ़ती रफ्तार से वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए हैं। ये बात फिजिक्स के नियमों से मेल नहीं खाती। कल्पना कीजिए कि मेरे पास एक बेसबॉल है और मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ। मेरे हाथों से निकलने के बाद इसे आमतौर पर धीमा होना चाहिए, लेकिन शुरू में धीमा होने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। पता नहीं इसे एनर्जी कैसे मिल जाती है। और ये नई एनर्जी बिना किसी चीज के मिल रही थी, स्पेस के वैक्यूम से। किसी वैज्ञानिक के लिए वैक्यूम शब्द का मतलब है एकदम खाली जगह जिसमें कोई पार्टिकल ही ना हो, जिसका ना कोई तापमान हो और ना ही एनर्जी हो। लेकिन स्पेस और टाइम में एक ऊर्जा होती ही है। खाली जगह में एनर्जी होती है, और ये एनर्जी एक ग्रेविटेशनल रिपल्शन पैदा करती है, एक तरह की एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। ये बल क्या है या ये कैसे काम करता है, ये जाने बिना वैज्ञानिक बस इसे नाम ही दे सकते थे, और ये नाम था डार्क एनर्जी। हम इसे नाम दे सकते थे वी डोंट नो एनर्जी। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये क्या है। और ये डार्क हो या ना हो, ये फिजिक्स में सबसे बड़ा रहस्य तो है। नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद डार्क एनर्जी को नापने के लिए अपने बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोपों को कैलिब्रेट किया, और नतीजे दिमाग चकराने वाले थे। ब्रह्मांड के मास के मुकाबले इसकी तादाद 3 गुना थी, और स्पेस जितना ज्यादा फैलता है वहाँ उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस होती है। डार्क एनर्जी बिना स्रोत वाली एनर्जी है, और ये रिपल्सिव भी है। तो जब ये डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को धकेलती है तो ये बढ़ जाती है, वैक्यूम भी बढ़ता है और उससे रिपल्शन भी बढ़ता है। तो ब्रह्मांड की गति धीमी होने के बजाय फिलहाल जो बढ़ रही है, उसका शायद यही कारण है। डार्क एनर्जी बिग क्रंच थ्योरी को खत्म करती लगती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते कि डार्क एनर्जी, विस्तार और स्पेस किस तरह आपस में जुड़े हैं।
अगर स्पेस की मात्रा का आकार दोगुना हो जाता है तो क्या उसके अंदर मौजूद डार्क एनर्जी भी दोगुनी होगी या ये उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। एक एक के अनुपात से विस्तार एक समान रफ्तार से होता है। ऐसे में ब्रह्मांड का खात्मा होता है एक बिग फ्रीज में। लेकिन अगर डार्क एनर्जी में विस्तार की ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो ब्रह्मांड के लिए एक नया तथा और भी डरावना अंत इंतजार कर रहा है। ये है बिग रिप। अंत से 6 करोड़ साल पहले डार्क एनर्जी ग्रेविटी पर पहले से कहीं ज्यादा छोटे स्तरों पर विजय पाती जाएगी। सबसे पहले गैलेक्सीज फटनी शुरू होंगी, फिर गैलेक्सीज के अंदरूनी हिस्से फटने लगेंगे और उसके बाद सोलर सिस्टम का भी यही हश्र होगा। उसके बाद बारी आएगी ग्रहों, फिर चट्टानों, लोगों और एटमों। अंत बड़ी बेरहमी और तेजी से होगा। कुछ ही मिनटों के अंदर ब्रह्मांड में मौजूद तमाम सितारे और ग्रह नष्ट हो जाएंगे, उनके अवशेषों के और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर आखिर में जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड से भी कम बचेगी तो मैटर की रचना करने वाले सब एटमिक पार्टिकल भी नष्ट हो जाएंगे। बाकी बचे रहेंगे तो सिर्फ अकेले फोटॉन, जो अपने बीच बढ़ते स्पेस की वजह से और दुर्लभ होते जाएंगे। और आखिर में बहुत ही कम ऊर्जा वाली रोशनी बचेगी, जो धीरे धीरे फैलते फैलते मौजूद ही नहीं रहेगी। स्पेस में मौजूद खाली वैक्यूम सबसे आखिर में खत्म होगा। ये ब्रह्मांड पर इतना जोर डाल रहा होगा कि ये ब्रह्मांड के ताने बाने को ही चीर कर रख देगा, यानी कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ब्रह्मांड का अंत बिग रिप के जरिए होगा या बिग फ्रीज के जरिए? जवाब डार्क एनर्जी के रहस्य के अंदर मौजूद है। इसे हल कर देने से ब्रह्मांड का भाग्य स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड का अंत नजदीक आ रहा है, लेकिन ये अंत होगा कैसे? एक वक्त था जब इस सवाल का संभावित जवाब था बिग क्रंच। ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर यानी उसके अधिकतर अदृश्य अंश की वजह से स्पेस अपने अंदर ही रह जाएगा। गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी और सब ग्रह आपस में मिल जाएंगे। सब चीजें ज्यादा गर्म और ज्यादा सघन होती जाएंगी। ये ब्रह्मांड एक विशाल तारे जैसा है। डार्क एनर्जी की वजह से बिग क्रंच थ्योरी का वजूद खत्म हो गया। ये गैलेक्सीज के बीच स्पेस के विस्तार के लिए किसी रॉकेट के ईंधन की भूमिका निभाती है। ये एक ही जगह नहीं रहती, ये बाहर की तरफ धकेली जाती है। ऐसे में सिर्फ 2 संभावित स्थितियां ही बचती हैं, बिग रिप या बिग फ्रीज। ये दोनों ही डार्क एनर्जी पर निर्भर है। अगर किसी बिग रिप में ब्रह्मांड के टुकड़े होते हैं तो ऐसा भविष्य में डार्क एनर्जी के बेहिसाब बढ़ने से होगा, और बिग फ्रीज में डार्क एनर्जी में लगातार धीमे धीमे बढ़ोतरी चाहिए ताकि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो। हम अपने ब्रह्मांड का अंतिम अध्याय तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम डार्क एनर्जी को नहीं समझते। मई सन 2009 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डार्क एनर्जी के जन्म की खोज में प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका बेहद संवेदनशील टेलीस्कोप स्पेस और समय में अरबों साल पीछे तक हर चीज की शुरुआत की ओर नजर डालता है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए ये है 13 अरब 50 करोड़ साल पहले वाला हमारा ब्रह्मांड। ये नजारा बिग बैंग के बाद सिर्फ 3,80,000 साल बाद का है। तो प्लैंक ने शुरुआती ब्रह्मांड की एक तस्वीर ली है और हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के बारे में बताया है। इसने हमें समय के उस पल की सबसे विस्तृत और सटीक तस्वीर दी है। इस तस्वीर में ब्रह्मांड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का एक मिश्रण नजर आ रहा है। हाइड्रोजन एटम अभी बनने शुरू हुए हैं और हमें यहाँ जो प्रकाश नजर आ रहा है वो इसी मैटर की उत्पत्ति से हुआ है। नीले इलाके ठंडे हैं और लाल इलाके गर्म। आखिरकार नक्शे में नजर आ रहे ये गर्म हिस्से, लाल हिस्से विशाल सुपर क्लस्टर बन जाएंगे और जिनमें सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज होंगी। ऐसी हर गैलेक्सी में अरबों तारे होंगे। इन शुरुआती गैलेक्सीज का निर्माण शायद सिर्फ ग्रेविटी और विस्तार करेंगे। शायद डार्क एनर्जी का तो अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। तो इस ब्रह्मांड का नियंत्रण डार्क एनर्जी कब संभालेगी? एस्ट्रोनॉमर ब्रेंडा फ्राई उस टीम का एक हिस्सा है जो किट पीक एरिजोना में जमीन पर लगे इस जैसे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करती है।
ऐसे और भी कई टेलीस्कोप हैं, वो इसके जरिए ब्रह्मांड के उस शुरुआती दौर पर नजर डालती हैं, जब ये विकसित हो रहा था। देखिए, ये एल्युमिनियम की एक प्लेट है और इस पर 640 अलग अलग सुराख किए गए हैं। प्लेट पर हर सुराख को एक बहुत ही खास जगह पर किया गया है और ये प्लेट आसमान में मौजूद किसी विशेष आकाश गंगा से मेल खाती है। हर प्रयोग के दौरान 640 अलग अलग गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी को फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए इकट्ठा किया जाता है। फिर हर गैलेक्सी की रफ्तार और अवस्था को नापा जाता है ताकि स्पेस में इसकी सही स्थिति पता चले। अब तक टीम 3D में लगभग 10 लाख गैलेक्सीज की पैमाइश सटीक ढंग से कर चुकी है और वो ऐसी दिखती है। रुई के फाहे जैसे लगते ये धब्बे पूर्ण विकसित एक गैलेक्सी है जिसमें करीब 200 अरब तारे हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी पैमाइश है और हमें लगता है कि इससे हम डार्क एनर्जी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैज्ञानिक इस किशोर ब्रह्मांड की तुलना इसके बचपन वाली तस्वीर से करते हैं। इसमें तब डार्क एनर्जी उभरती दिखती है जब ब्रह्मांड की उम्र आज के मुकाबले आधी थी। बिग बैंग के करीब 8 अरब साल बाद ब्रह्मांड के इस विस्तार की रफ्तार बढ़ने लगी और हम इस रफ्तार बढ़ने वाले दौर के बीच में हैं। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि स्पेस के बढ़ने के साथ साथ डार्क एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अगर आपके पास कोई बॉक्स हो और आप उसमें डार्क एनर्जी रखते हैं और उसके बाद उसका वजन करें, अब आप इस बॉक्स का आकार दुगना कर दें, इसे खोले नहीं, इसके अंदर कुछ न रखें, इसका दोबारा वजन करें तो वजन दुगना निकलेगा। ये कमाल की बात हमें बताती है कि हम बिग रिप से तो शायद सुरक्षित रहेंगे। डार्क एनर्जी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी। ब्रह्मांड एक बिग फ्रीज की दिशा में बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक आखिरकार इस ब्रह्मांड के अंत के समय की गणना कर सकते हैं। हमें फिलहाल ये लगता है कि हम एकदम परफेक्ट ब्रह्मांड में रहते हैं। यहाँ तमाम गैलेक्सीज को उनकी जगह बनाए रखने लायक पर्याप्त ग्रेविटी है और इतनी डार्क एनर्जी भी जो खुद को बिना टुकड़े टुकड़े किए हमेशा फैलती रहेगी। कॉस्मोलॉजिस्ट अब आखिरकार हर चीज के अंत की कल्पना कर सकते हैं। 30 साल पहले शायद इस बात पर कोई यकीन न करता, लेकिन अब लगता है कि ब्रह्मांड को एक डीप फ्रीज का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप आंकड़े देखें तो ये बात यकीनी लगती है। ये विश्वास हमें मिला है डार्क एनर्जी की हमारी पैमाइश से। कमाल की बात है कि ब्रह्मांड में हमारे काल और जगह के हिसाब से ये आकलन अनूठे है। ये पता चला है कि कॉस्मिक नजरिए से कॉस्मोलॉजी के लिए ये वक्त एकदम सही है। अगर मानव सभ्यताएं ज्यादा पहले विकसित हो जाती तो हमें रात में आसमान में ग्रेविटी की अधिकता दिखती, जबकि डार्क एनर्जी लगभग होती ही नहीं। और अगर हमारा विकास ज्यादा बाद में होता तो हमें एक और भी ज्यादा बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता। भविष्य के कॉस्मोलॉजिस्टों के लिए काम करना हमारे मुकाबले ज्यादा मुश्किल होगा। करीब 2 खरब साल की अवधि में हमें आज जो गैलेक्सीज नजर आती हैं, वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से दूर जाकर गायब हो जाएंगी। जब पैमाइश के लिए गैलेक्सीज ही नहीं होंगी तो डार्क एनर्जी का पता लगाने का भी कोई तरीका नहीं होगा। ब्रह्मांड के अंत के पूर्वानुमान के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, जिसे लेकर हम फिलहाल काफी आश्वस्त हैं। यानी बिग फ्रीज। बिग फ्रीज की सूरत में डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को एक दूसरे से और दूर धकेलती है, लेकिन वो ठीक ठाक बनी रहती है, बस उनके अंदर मौजूद तारों की चमक कम होती जाती है। हमारे सूर्य सहित आसमान में नजर आने वाला हर सितारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जला रहा है। गैस खत्म हो जाएगी तो नए सितारे नहीं बनेंगे, और जो सितारे मौजूद हैं बस वही आखिरी तारे होंगे। अब से 100 खरब साल बाद सबसे पहले सबसे बड़े सितारे ही गायब होंगे। बड़े तारे चमकदार होते हैं और उनका अंत धमाकेदार होता है। सितारे का कोर धंसते हुए एक सुपरनोवा को जन्म देता है। फिर ग्रेविटी दम तोड़ते तारे को कुचलकर उसे एक डेंस स्पॉट बना देती है। चमकदार तारा अब एक ब्लैक होल बन जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे सूर्य जैसे मंझोल आकार के तारों की। जब इसकी हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो आग के इस विशाल गोले का आकार अब के मुकाबले 200 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। जब कोर में हाइड्रोजन नहीं बचती तो ये एक रेड जायंट स्टार बन जाता है। रेड जायंट स्टार इतने बड़े होते हैं कि वो
अपने ही ग्रहों पर निकल जाते हैं। हमने ऐसी मिसालें देखी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर की ऑर्बिट जितनी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ईंधन खत्म होने पर सूर्य ग्रेविटी के आगे हार मानकर एक छोटा सा वाइट ड्वार्फ बन जाता है। ये मैटर की एक सघन बॉल रह जाता है जिसका व्यास कुछ 1000 किलोमीटर ही होता है। गर्मी की वजह से फिर ये 10 अरब साल तक और चमकता है। उसके बाद ये ठंडा होकर कंप्रेस्ड कार्बन की एक गेंद ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, शायद हीरा। सबसे बड़े तारों के दम तोड़ने से ब्रह्मांड धीरे धीरे लाल होने लगता है। फिर ब्लू स्टार फटते हैं और उसके बाद थोड़े कम ब्लू स्टार्स में विस्फोट होता है। फिर सूर्य जैसे तारों की चमक कम होती है, वो दम तोड़ देते हैं और फिर सिर्फ रेड स्टार्स ही बचते हैं। रेड स्टार्स आकार में सबसे छोटे और ब्रह्मांड में सबसे ठंडे होते हैं। वो अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं, लेकिन 10 खरब साल और बिताने के बाद सबसे छोटे ड्वार्फ सितारों का ईंधन भी खत्म हो जाता है। हमें जो तारे नजर आते हैं उनकी ऊर्जा जलनी खत्म हो जाएगी और हमें रात में आसमान काला दिखेगा। बाकी बचेंगे तो मरे हुए तारों के अवशेष, ब्लैक होल और गैस और धूल के ठंडे बादल। तो सितारों का दौर खत्म हो चुका है और ब्लैक होल का दौर शुरू होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में निर्माण के बुनियादी तत्व बन जाते हैं। कोई गैलेक्सी बीच में मौजूद एक बेहद विशाल ब्लैक होल बन जाएगी और छोटे ब्लैक होल उसकी परिक्रमा करेंगे। इसे आप एक तरह से प्रेत ब्रह्मांड कह सकते हैं। हमें भविष्य की ओर ले जाएंगे ज़ॉम्बी स्टार, यानी तारों के शव। ब्लैक होल से भरी ज़ॉम्बी गैलेक्सीज विकसित होती रहेंगी। वो दम तोड़ चुके सितारों के अवशेष समेटती रहेंगी। ब्लैक होल एक दूसरे में मिलते रहेंगे। वो एक दूसरे को निगलते जाएंगे और ज्यादा बड़े होते जाएंगे। हो सकता है वो किसी बेहद विशाल ब्लैक होल में गिर जाए और वो और बड़ा हो जाए। ब्रह्मांड अब भी एक रोमांचक और गतिशील जगह बनी रहेगी, लेकिन हम जिस टाइम स्केल की बात करते हैं वो अब हजारों या लाखों साल के बजाय शायद खरबों साल हो जाएगा। जो भी मैटर किसी ब्लैक होल के खिंचाव से किसी तरह बच जाता है, वो भी आखिरकार अपने प्रोटॉन के बिखराव के कारण दम तोड़ ही देता है। वो प्रोटॉन जो एटॉमिक मैटर को बनाने वाली बुनियादी चीजों में से एक है, जिससे हम बनते हैं, वो खुद ब खुद टूट कर बिखर सकता है। और पता चला है कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन खत्म ये भी होता है। बाकी बचेगा तो ब्लैक होल्स का एक सागर। वैज्ञानिक सोचा करते थे कि ब्लैक होल अमर होते हैं, लेकिन एक दिन इनकी भी मौत होगी। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टाइम स्केल की जो बहुत ही लंबा है, जिसकी अवधि होगी लाखों खरब साल। लेकिन उस टाइम स्केल पर ब्लैक होल भी भाप बनकर उड़ने लगेंगे। वो होते जाएंगे छोटे और छोटे और छोटे, और उसके बाद पूफ, वो गुम हो जाएंगे। जब बाकी बचे आखिरी ब्लैक होल दम तोड़ेंगे तो ब्रह्मांड का भी खात्मा हो जाएगा। इसके और छोटे होते जाने से भाप बनकर उड़ने की दर तेजी से बढ़ेगी। कुछ ही समय में सिकुड़कर इसका आकार 1 इंच का खरबवां हिस्सा रह जाएगा। इस समय फिजिक्स के तमाम नियम भी खत्म हो जाएंगे और बाकी बचे ब्लैक होल के फटने से गामा रेज की एक चमक पैदा होगी। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ये दम तोड़ेगा और पैदा होगी ढेर सी रोशनी। ये ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में आखिरी जोरदार चमक होगी। बिग फ्रीज अब बढ़ा आ रहा है और ब्रह्मांड को एक ठंडी, धीमी और स्याह मौत का सामना करना होगा, जो खरबों खरब साल तक कायम रहेगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड का एक वैकल्पिक अंत भी हो सकता है। यह हादसा इतना दमदार और विध्वंसक हो सकता है कि पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और ये कल भी हो सकता है। ब्रह्मांड का अंत करीब आ रहा है। डार्क एनर्जी गैलेक्सीज के बीच के स्पेस की गति तेज कर देती है और हम जो कुछ देखते हैं उसकी एक लंबी, सर्द और बेहद धीमी मौत होती है। ये तभी रुक सकती है जब इससे पहले कोई अजीब घटना हो जाए। फेज ट्रांजिशन कहा जाने वाला एक महाकाय अंधेरे में मंडरा रहा है और ये किसी भी पल स्पेस और समय के ताने बाने को खत्म कर सकता है। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो ये बर्फ बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी बदलती है। अगर आप पानी में रहते हो तो इसके बर्फ में बदल जाने से आपकी दुनिया भी एकदम बदल जाएगी। जब पानी की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये रूप बदल कर बर्फ बन जाता है। एक बार पानी की एक बोतल रात भर कार में पड़ी रही,
पानी अब भी तरल था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ तो उसमें जो थोड़ी बहुत बर्फ जमी थी वो पिघल गई और बोतल फिर से भर गई। किसी नई चीज में इतनी तेजी से होने वाले बदलाव को कहते हैं फेज ट्रांजिशन। और अजीब बात यह है कि ऐसा ही खाली स्पेस के साथ भी हो सकता है। हमें ये समझ आया कि जिस वैक्यूम में हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, जिसे हम स्थिर मानते हैं, वैसा असल में है नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी खाली जगह पर जमा एनर्जी एक फेज ट्रांजिशन में बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। अगर ऐसा है तो फिजिक्स के नियम बदल जाएंगे। अगर स्पेस और समय के ताने बाने में अचानक कोई गड़बड़ हो जाए तो स्पेस में एक फेज ट्रांजिशन शुरू हो सकता है। ऐसे में नए ब्रह्मांड का एक छोटा सा बुलबुला फैल कर पुराने को अपने कब्जे में कर सकता है। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये पहले भी हुआ है। बिग बैंग वाले पल में जिस ब्रह्मांड की सबसे पहले रचना हुई थी वो आज के ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग तरह का है। ये गर्म और बिना आकार वाला, बिना मैटर और बिना समय वाला था। तब फिजिक्स के नियम अलग थे। फिर अचानक एक सेकंड के एक खरबवें हिस्से से भी कम समय बाद एक गड़बड़ी से एक फेज ट्रांजिशन शुरू हुआ। हम आज जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका एक छोटा सा बुलबुला बना, ये बाहर की तरफ दौड़ा और इसने जिस चीज को छुआ पानी में फैलती बर्फ की तरह इसने उसे बर्बाद कर दिया। इससे उत्पन्न ऊर्जा ने उस स्पेस और समय को बनाया जिसमें हम मौजूद हैं। ये थे मैटर को बनाने वाले तत्व और उनका नियंत्रण करने वाले। उस समय जो ऊर्जा रिलीज हुई उससे ब्रह्मांड में आज नजर आने वाला मैटर और रेडिएशन पैदा। पुराने ब्रह्मांड ने नए की रचना के लिए अपनी ऊर्जा दे दी, लेकिन इसने कुछ ऊर्जा बचाकर भी रखी। स्पेस के वैक्यूम में अब भी एनर्जी मौजूद थी। शायद ये आज हमें नजर आने वाली डार्क एनर्जी है। फिजिसिस्ट का मानना है कि भविष्य में किसी दिन स्पेस और समय के ताने बाने में पैदा होने वाली कोई नई गड़बड़ी एक और फेज ट्रांजिशन की शुरुआत कर सकती है और ये हमारा और हमें दिखने वाली हर चीज का सफाया कर सकती है। ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने का एक तरीका है, क्योंकि हमारे अपने ब्रह्मांड में ही इसकी तबाही के बीज मौजूद है। ये प्रकाश की गति से मौत के एक बुलबुले की शक्ल में फैलकर हर उस गैलेक्सी को बर्बाद करेगा जिसके पास से ये गुजरेगा और आखिरकार हमारे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। फैलते फेज ट्रांजिशन के सामने कोई चीज बच नहीं सकती। ग्रह, नेबुले, गैलेक्सीज, ये सभी इस बुलबुले की सरहद से छूते ही तहस नहस हो जाएंगे। इस बुलबुले के अंदर प्रोटॉन अस्थिर होते हैं और एटम मैटर के एक नए आकार में खुद को जगह देनी शुरू कर रहे होते हैं। जब ये बुलबुले फैलने लगते हैं तो पुराने ब्रह्मांड के अवशेषों में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेने लगता है और इस तरह फिजिक्स के एक नए नियम की उत्पत्ति होती है। तो फिलहाल हम जिस फैलते ब्रह्मांड को देख रहे हैं उसका अंत एक फेज ट्रांजिशन में हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि हमसे क्या टकराया, क्योंकि फिजिक्स के नियम बदलते रहेंगे और पूरी आशंका है कि हम ऐसा होते ही फौरन गायब हो जाएंगे। ये बुलबुला प्रकाश की रफ्तार से फैलेगा और जब ये आपके पास से गुजरेगा तो आपके शरीर के सारे एटम खुद को दोबारा अरेंज करेंगे, लेकिन आपको इसका पता नहीं चलेगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बुलबुला खुद प्रकाश की रफ्तार से बढ़ रहा होगा। ऐसा कब होगा आप इसका सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, सिर्फ इसकी संभावना है। आप इसकी दर के बारे में ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये साल में एक बार होगा, 10 अरब साल में एक बार होगा, या गूगल वर्ष में होगा, या ऐसा ही कुछ। ये भी हो सकता है कि ये बुलबुले न्यूक्लिएट होकर हर 10 या 20 अरब साल में बढ़े। हम किस्मत वाले हैं कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ऐसा भी होना मुश्किल है कि ऐसा अगले साल या अगले दिन हो, लेकिन फिजिक्स के नियमों के मुताबिक ऐसा हो जरूर सकता है। फेज में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। ये ब्रह्मांड खुद से जुड़े राज आसानी से उजागर नहीं करता और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की तरह अभी शायद और कई आश्चर्यजनक तथ्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ये आश्चर्य उन रहस्यों और चमत्कारों की तादाद और बढ़ाएंगे जो हमारे ब्रह्मांड ने हमारे लिए छिपा रखे। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है इस बारे में अभी हम ज्यादा नहीं जानते। हम फिलहाल खोज के एक दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है वहाँ अब भी ऐसा बहुत कुछ हो जो हम नहीं जानते, तो जब तक पुख्ता नतीजे नहीं निकलेंगे मैं भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हम डार्क एनर्जी की फितरत को नहीं समझते और जब तक हम उसे नहीं समझते कुछ भी हो सकता है। भविष्य आज भी अनिश्चित है और उसका मतलब है कि अब भी एक रहस्य मौजूद है और मेरे लिए ये संभावना सबसे ज्यादा रोमांचक है।